हाय शार्क्स, पैंडेमिक के आने से लोगों को रियलाइज हुआ कि उनको अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए हेल्दी और फिट रहने के लिए, पर ये करना बहुत मुश्किल है। लोग इसे अचीव करने के लिए तरह तरह के क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव डाइट्स भी फॉलो करते हैं। इससे इनका वेट भी कम हो जाता है, पर कम होता है और भी ज्यादा उनका बैंक बैलेंस। तो फिर क्या, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया सुपेक्स। मैं हूं उत्तम, 24 साल का। मैं हूं प्रियांक, 25 साल का, और हम हैं द को फाउंडर्स ऑफ सुपेक्स। सुपेक्स इंडिया का पहला पर्सनलाइज सूप बेस्ड मील ब्रांड है, जो बनाता है हेल्दी सूप आपके मील्स को रिप्लेस करने के लिए, और वो भी आपके फिटनेस गोल के हिसाब से। और तो और, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, कैलोरी काउंटेड एंड नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एडेड सूप्स, जो कि हमारे शेफ्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने बहुत ही बारीकी से बनाया है। 5 महीने की मार्केट टेस्टिंग के बाद दिसंबर 2021 में सुपेक्स स्टार्ट हुआ, और आज करीब 99 से भी ज्यादा वैरायटी ऑफ हेल्दी सूप हमारे पास अवेलेबल है। हमारे कस्टमर ऑन डिमांड ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हमारा विजन है कि हम सुपेक्स को भारत का नंबर 1 हेल्दी सूप बेस्ड मील ब्रांड बनाएं, और इसी मिशन को पूरा करने के लिए आज हम आपके सामने यहां आए हैं। हमारा आस्क है 75 लाख रुपए 6% की ड्यूटी के अगेंस्ट में। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इंडिया को सूप और स्टार बनाने के लिए? उत्तम, प्रियंक, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जरा बताइए यार, आपको ये सूप की आइडिया कैसे आया? हुआ क्या कि हम दोनों लखनऊ में थे, पैंडेमिक के समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में पार्ट ले रहे थे। तो हम एक दिन इम्यूनिटी बूस्टर सूप हमने बंटवाया, तो 2-3 दिन बाद कॉल आने लगे, भैया जो आपने सूप बंटवाया था ना, फिर से सूप बंटवा सकते हो क्या? क्या डाला उस सूप में? ताल का एसेंशियली बना हुआ था, और हमने उसको नाम इम्यूनिटी बूस्टर सूप, कुछ अश्वगंधा का हमने हर्बल्स यूज किया। बेसिक रिसर्च करके आपने उसको वही बोलो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बनाया था। जब वो कस्टमर का कॉल आया तो वो शायद हमारे लिए आहा मोमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने फिर 2-3 महीने सिर्फ रिसर्च करते थे रात में बैठ के। तो हमने 2 चीजें देखी वहां पे ऑब्जर्वेशन, कि अगर किसी को डाइटरी लाइफस्टाइल चेंज करना है तो बहुत एक्सपेंसिव है, और सूप जो कि इतना हेल्दी प्रोडक्ट है, इसका पूरे मार्केट में कोई हेल्दी ब्रांड नहीं है। तो ये दोनों को कंबाइन करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम हेल्दी मील को लेस एक्सपेंसिव बनाएं। सूप को कंबाइन करके हमने निकाला सुपेक्स मील, व्हिच इज सूप प्लस अ हेल्दी साइड दैट क्यूरेट्स अ कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट प्लान। आप इससे पहले क्या करते थे कोविड में? मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIIT से कंप्लीट की है, उसके बाद मैंने ISB हैदराबाद से समर एक्सचेंज प्रोग्राम किया एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड करेंटली मैं सुपेक्स में ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी समझता हूं। और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से मैंने अपना MBA किया है, उससे पहले मैं डेलॉइट में वर्क करता था, उसके बाद एक लीडिंग ग्लोबल बैंक में मैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अच्छा, ये एक चीज बताइए, जो सूप है ये ठंडा होता है ना? ये कोल्ड भी होता है, हॉट सूप भी होता है। अभी जो लाया हो वो ठंडा है गर्म है? हमारे पास गर्म सूप भी है। वो ठंडा हो जाएगा, जल्दी पिला दे। हमारे पास कोल्ड सूप भी है, व्हिच इज वेरी पॉपुलर। This is for you, Vinita. Oh wow, thank you, customized. कौन सा दिया तुम्हें? Lotus root and walnut. मैं आपके लिए smoked chicken soup. आपको हमने दिया cold soup, which is summer gazpacho soup. Cold soup को gazpacho कहते हैं ना generally? Gazpacho. I didn't like it, bro. मेरा एक प्रॉब्लम, ये मीठा बहुत है। मेरा बहुत अच्छा है, मेरा ट्राई कर, बहुत अच्छा, बिल्कुल मेरा बहुत मीठा है। तेरा अच्छा नहीं है, मेरा बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या है? इसमें स्मोक चिकन है। तो अच्छा क्यों नहीं? स्मोक चिकन अच्छा होता है, बट मेरे को अच्छा मजा नहीं आ रहा, बट टेस्ट अच्छा है, खाली ठंडा है, मुझे आदत नहीं है, तो टेस्ट अच्छा है। ये रेसिपीज आप कैसे फॉर्मुलेट करते हैं? बिकॉज एंड ऑफ द डे ये फॉर्मुलेशन का गेम है।
टेस्ट का गेम है। ये सारे सूप्स एक बेस से बनते हैं, तो हमारे पास अराउंड 14 बेसेस टू गिव यू अ नंबर। उन 14 बेसेस को बस हेड शेफ्स को पता है कि किस कॉम्पोजिशन में मिक्स करके कौन सा सूप बन जाएगा। एक मॉड्यूलर तरीका हो। Yes. Now what happens is the expert chefs are only housed at Central Kitchen. यहाँ पे वो एक DIY kit बनाते हैं। Okay. जिसकी shelf life होती है 6 months for a B2B node supply only. Now it becomes very easy. कोई एक novice chef भी आए ना, हमारा capex इतना low हो गया है, हमारा opex इतना low हो गया है एक नया node खोलने में। Very nice. Finance background से है ना? Yes. बढ़िया मजा है। तो आपका सूप भी खरीदा जा सकता है और सब्सक्रिप्शन भी लिया जा सकता है, दोनों ऑप्शन है। और नॉट जस्ट सूप, हमारा सूपेक्स मील है। द कांसेप्ट इज सूप इज अ सेंट्रल फिगर, उसके अराउंड हम स्मॉल साइजेस में हेल्दी साइड्स रखते हैं, जैसे गार्लिक ब्रेड्स होते हैं, या फिर हेल्दी साइड्स में वेजी बोल्स होते हैं, स्मॉल साइज ऑफ सैलड्स होते हैं, या होल व्हीट सैंडविचेस होते हैं। और 30-40% आपको कैलोरी रिडक्शन दिखेगा इससे, अगर आप वेट लॉस कैटेगरी में जाते हैं। आपकी बातों से मुझे समझ में आया कि आप हेल्थ की अंडरस्टैंडिंग बहुत सुपरफिशियल है। आप जो साइड्स की बात कर रहे हैं, कोई वीट हो गया, कोई गार्लिक ब्रेड हो गया, एंड यू थिंक दीज आर हेल्दी चॉइसेस। जहां तक मेरी समझ है, और मैंने काफी इसके बारे में रिसर्च की, ऑल दिस इज नॉनसेंस। आप क्या काम कर रहे हो विच विल मेक यू अ हेल्थ एक्सपर्ट? मैं कहता हूँ ये हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल नहीं होगा, बट जो आप ट्रेडिशनल डिनर करते हो उससे हेल्दियर है। Correct. और अगर नहीं भी है तो आप हेल्दी बनो, क्योंकि आप डिनर एंसेस्टर्स हमारे ये कहते थे डिनर लाइट रखो। आज हम देखो सबसे ज्यादा जंक रात में ही खाते हैं। एक का स्कैन करके दिखाओगे न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? वेबसाइट हम दिखा देते हैं। सो दिस इज अ वेबसाइट वेयर वी आर प्रपोजिंग आवर कोर प्रोपोजिशन लाइक फ्रेशली प्रिपेयर्ड, नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एडेड एटसेट्रा। Then, if we scroll down, so we can see what are the popular categories in our menu. A website अच्छा है, but अभी एक कुछ खोल के दिखाएंगे क्या nutritional है। मैं इसको एक काम करता हूँ, जैसे healthy can be inexpensive लिखा हुआ है, if you scroll down, वहाँ पे दो options हैं। मुझे nutritional value एक soup का देखना है। वो तो आपको मैंने जैसे दिखाया ना। नहीं नहीं भाई, nutritional value बताइए आप एक soup का, क्यों वो बात से भाग रहे हैं? मैं समझा नहीं, calories आप पूछ रहे हैं? That is my fundamental problem with you. इन्होंने तीन बार आपको पूछ लिया, what does nutritional value mean? Right? इसका composition क्या है? My bad. वो समझा? मैं समझा नहीं था question. अच्छा, please answer that question. Protein है 6.5 grams, carbs है 13.9 grams, और fat है 19.3. Protein को हमने multiply किया 9 से, carbs और fats को multiply किया 4 से, तो हमारे क्यों? क्योंकि एक प्रोटीन में wrong. Fat is multiplied by 9. Carbohydrates and protein are multiplied by 4. Yeah. भाई मैंने फैसा बना लिया है। You cannot be in the health business without knowing the fundamentals of it. मैं चाहता हूं कि ऐसे फाउंडर्स हो कि वो पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं समझे अपने धंधे को। आप अभी तक वहां नहीं पहुंचे, इस वजह से मैं आउट हूं। I wish you the best. I hope you prove me. चलो आप अपनी सेल्स बता दो यार, मुझे लग रहा है आपकी अच्छी सेल्स होगी, ऐसा मुझे फीलिंग है। लास्ट मंथ हमारी 8 लाख रुपीस की सेल थी। नॉट बैड। और उससे पहले 7 लाख, उससे पहले मंथ्स अराउंड 5.9 ऐसे 6 लाख। अभी क्या प्रॉफिट है बिजनेस? तो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन आता भी वो अराउंड 70-75% आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी EBITDA पॉजिटिव हो गया, 8 लाख में कितना बचता है हर महीने? EBITDA हम नेगेटिव है अभी, 1-1.5 लाख रुपए महीने में हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो कमीशन देते हैं, उसके बाद हम जो शेफ और लोगों की सैलरीज देते हैं वो 2 लाख रुपए। एडवर्टाइजमेंट बहुत कम करते हैं, 60-70 हज़ार रुपए का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और बाकी रॉ मटेरियल हमारा जो लगता है। बट भाई मेरे को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है, बर्न। हर जगह बर्न फैशनेबल क्यों होता जा रहा है? नहीं नहीं, हम बर्न अपने लेवल पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जॉब करता हूँ, उसके सैलरी से। हाँ, ये पॉजिटिव चीज नहीं है, इतना नेगेटिव भी नहीं है। मैं ज्वाइन करा था बिजनेस फुल टाइम, उस समय हमने 25 लाख की फंडिंग उठाई थी, तब उस समय क्या किया, हमें ऑपरेशंस बढ़ाने थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने सब मार्केट टेस्टिंग में लगा दिया था।
उसके बाद आई वाज सेट टू जॉइन, बट उस समय मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से हमारी फंडिंग नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन बहुत ज्यादा वो हो गया था कि हम क्या करें। तो हम सब ने बैठ के डिस्कस किया कि मैं अपना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सैलरी लगाऊंगा, क्योंकि मेरे डोमेन जो हैं स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग और फाइनेंस है, ये सारा ऑनलाइन में रात के 9 बजे तक काम करता था, 11 से 4 बजे तक रोज आज तक बैठते हैं, काम करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में बैठता हूँ कि भाई कैसे करना है और ये ऑपरेशन। यानी बात सही है, हमने भी मूनलाइटिंग से शुरू किया था, खर्चा तो चलाना ही पड़ता है, सो वेल डन। देखो एक आप दोनों में एक जेन्युइनिटी तो है और थोड़ा सा वो क्यूट टीम हो आप, यू नो, और 8 लाख का बिजनेस सूट में बनाना इज आल्सो नॉट इजी, मतलब साल का 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, वो भी आप पार्ट टाइम चला रहे हैं, सब काफी कमेंडेबल है और हसलिंग भी आप पूरी कर रहे हैं। मैं इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। पहले तो मुझे टेस्ट समझ नहीं आया बिल्कुल भी, मुझे बर्न बिजनेस से थोड़ा सा डर लगता है, सो फॉर दैट रीजन शार्क एज एन इन्वेस्टर हम फाउंडर्स पे बेट करते हैं। और ये जो आपको आपके प्रोडक्ट पता नहीं था, जैसे अनुपम जी ने कहा, ये मुझे बहुत खटका, तो वो डेप्थ आप लाइए, ये डेफिनेटली बड़ा बन सकता है। बट आज मुझे ये बहुत स्वीट भी लगा, इन दो रीजंस के वजह से आई एम आउट। चलिए चार्ट शार्क आउट है, ओनली टॉक टू विनीता नाउ। मुझे भी अभी राइट नाउ बहुत अर्ली स्टेज लग रहा है, मुझे यू नो कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि आप इसको कर पाओगे, स्पेशली आप इतनी डे जॉब भी कर रहे हो। नहीं, हम छोड़ देंगे डे जॉब को, मैं छोड़ने ही वाला हूं। आप बोल रहे हो कब से छोड़ने वाले हो ना, आपने 25 लाख ले लिए फिर भी छोड़े नहीं। बट अभी तो खर्चे चला, पर इट इज नॉट फेयर टू द इन्वेस्टर जिससे आपने 25 लाख रेस किया, बिकॉज़ नहीं उनसे बात करके लिए उन्होंने उस कंडीशन पे बोला हमसे कि आप सैलरी मत लो कुछ भी। अब कहो तो मैं कल ही रिजाइन करने वाला हूँ अगर आप ऑफर, अगर फंडिंग मिल जाती है तो आप रिजाइन, मैं रिजाइन करना, पैसे की दिक्कत है बस और कोई बात नहीं। क्या लग रहा है कुछ तो बात बन रही है। अभी मैं इस पे मतलब मुझे यू नो प्लीज आप वैल्यूएशन गलत लग रहा बता दो, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ प्रोडक्ट पे हम वर्क कर लेंगे। और आप ये जब 16 नोड्स खोलोगे टोटल खर्चा कितना होगा, इबिट्टा कितना होगा? जब हम एक नोट के लिए ऑर्डर करते हैं हमें बहुत महंगा पड़ता है, हम दो नोट का एक साथ और लेट्स से 4 दिन 5 दिन का करते हैं 30% कॉस्ट। जस्ट इमेजिन जब हम 16 नोट्स के लिए एक साथ करेंगे तो हमारा कितना ज्यादा वो जो कॉग्स है वो कम हो जाएगा। तो आप प्रॉफिटेबली चलाओगे? हम 2-3 महीने में हो जाएंगे प्रॉफिटेबल। मैं आपको ऑफर देती हूँ 50 लाख इन इक्विटी, जिसके लिए मैं 20% ऑफ द कंपनी लूंगी, एंड उसके ऊपर 25 लाख इन डेट जो 12% इंटरेस्ट रेट पे मैं आपको ऑफर करती हूँ, एंड कंडीशनल टू आप दोनों वर्किंग ऑन दिस फुल टाइम। यस, इसको पेशेंटली बनाएंगे। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली किसी से मैंने सुना एक यू नो कबीर का दोहा, मैं कबीर के दोहे इतने पढ़ती नहीं हूँ, पर वो यही है कि धीरे धीरे 100 महीने धीरे धीरे सब होए, 100 किसान सींचे पर ऋतु आए तब फल होए। क्या बात। तो पहले आपको सीखना है प्रोडक्ट के बारे में और कंटेंट के थ्रू इसको स्केल करना है, तो जिसमें मैं आपकी मदद करूंगी। बस 5 सेकंड। 5 सेकंड्स, आई लाइक दैट। क्या हमें एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर से कम वैल्यूएशन करनी है? नहीं नहीं, उतना तो रखना है। विनीता, वी हैव अ काउंटर ऑफर फॉर यू। क्या आप इसको 50 लाख फॉर 18% इक्विटी कर सकते हो? रिमेनिंग हमें डेट चलेगा 25 लाख फॉर 12% इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्ड हैं। बचपन में मेरे डैड बोलते रहते थे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, तो मुझे हेल्थ के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, इस सीजन में बहुत करने वाली। कांग्रेचुलेशंस गाइस, बट द ऑफर जस्ट टू क्लेरिफाई इज 50 लाख रुपए फॉर 18% विद 25 लाख इन डेट एट 12%। थैंक यू। सो यू हैव अ डील, लेट्स मेक इंडिया सुपरस्टार्स नाउ। बहुत अच्छे, आप लोग तीनों ने सेम कपड़े पहने हैं। ओह गाइस, मेड फॉर ईच अदर। All the best.
करना था ये, बट वो इतना हंग्री थे इधर, प्लीज हम कुछ भी कर देंगे. तो मुझे लगा यार ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनको शेम नहीं है एंड देन दे आर रेडी टू डू एनीथिंग टू मेक देयर कंपनी बिग. आपके आंखों में आंसू है. आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ ऐसा. वेल डन, वेल डन, वेल डन, गुड पीपल टू बैक. मेरा सिंक सूप ठीक करवा देना. अच्छा, मेरा भी.